गौरीकुंड हादसे में अभी भी कई लोग लापता हैं। इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौरीकुंड में लापता हुए लोगों की खोजबीन के लिए छठवें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी रहा। हल्की बारिश के बावजूद रेस्क्यू टीमें घटनास्थल के साथ ही मंदाकिनी नदी में अभियान चला रही हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 23 लोग इस घटना के शिकार हुए हैं। इनमें से 3 के शव बरामद हो गए थे जबकि 20 लापता हैं। सर्च अभियान में डॉग स्क्वाड और ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा रही है। हालांकि केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते रेस्क्यू टीमों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। गिरे हैं, काफ़ी भारी है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेन से जो वो ठहरे रहे हैं उनको काट कर अलग किया जा रहा है और अलग करने के बाद उसकी उनकी सर्चिंग की जा रही है। अब तक जो फर्श गिरा था फर्श को हटा दिया गया है, लेकिन उसके नीचे कोई भी शव नहीं मिला है और अभियान जारी है।